हमारे साथ योगी जी हैं और हमारे मोदी जी हैं, कोई रोक के दिखाए। हिंदू राष्ट्र हमारी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी भैया, मैं छतरपुर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम गढ़ा में हूँ, पाकिस्तान में। हिंदू राष्ट्र को लेकर दिग्विजय सिंह के कुछ बयान आए थे जिसमें सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू की बात कर रहे थे। इसी बात को जानने के लिए हम बागेश्वर धाम पहुँचे हैं, वहाँ लोग हमारे मौजूद हैं, साथी उनसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं हम भैया? अभी दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह का जो बयान आए हैं गलत है, क्योंकि अभी कमल नाथ जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने भी हिंदू को हिंदू बनाया और उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र बनाया, मैंने हिंदू राष्ट्र ही है हमारा देश, ठीक है ना। और हम तो चाहेंगे कि सात हिंदू नहीं होना चाहिए, हार हिंदू नहीं, क्योंकि अब देखिए तो कुछ शक्ति हम लोगों की बढ़ती है। अभी तक हम लोगों ने सब कुछ किया, अब नहीं है। हम लोग के रहने वाले हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है और हम यहाँ पर आते हैं गुरु जी के धाम में। हमारी दूसरी बार है और हम परिक्रमा करते हैं गुरु जी के, बहुत सनातन धर्म से हम जुड़े हैं। हिंदू राष्ट्र मुंबई में, हर जगह और हर महाराष्ट्र में है और यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र हम बनाते ही रहे जी। आपके कानून, आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? क्या सोच है आपकी? हिंदू राष्ट्र हमारी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मगर दिग्विजय सिंह मजबूती से होना चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि देश संविधान के हिसाब से चले। आप पढ़े लिखे हैं, आपको बताया देश संविधान से चलना चाहिए कि राष्ट्र के हिसाब से चलना चाहिए? राष्ट्र के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों? संविधान में बहुत सही भी लिखा है और गलत भी लिखा है बहुत कुछ, तो हमारा मतलब है कि राष्ट्र होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। आप भी बोल रहे हैं, कहाँ से आए हैं? सियारमू तेरा आगरा। आपका कहना क्या रहेगा दिग्विजय सिंह जी के बयान को लेकर? हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे साथ योगी जी हैं और हमारे मोदी जी हैं, कोई रोक के दिखाए। और संविधान की बोलते हैं, वो संविधान में ये भी लिखा है कि अगर गलती होती है कुछ तो उसे दोबारा से तो सुधारा जाएगा, लिखा है ना। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थपुर। आपका क्या कहना है हिंदू राष्ट्र को लेकर? दिल्ली राष्ट्र के बयान को लेकर मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, खाली जात विवाद से आदमी मतलब बटे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, अभी हुआ कहाँ हिंदू राष्ट्र? वो तो है ही है, बदलाव खाली आदमी का वो है ना, बाकी हिंदू राष्ट्र है ही, दूसरा देश थोड़ी ना है। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, खाली अपने हमारा तुम्हारा सोच होना है। बात भी हो जैसे विवाद होता है, या मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इसी में थोड़ा विवाद होता है। बाकी हिंदू राष्ट्र है, देश राष्ट्र के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से नहीं चलना। संविधान भी चलना चाहिए, राष्ट्र के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अब बताइए हिंदू